नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गांधी सेतु के दोनों छोर से दौड़ने लगी गाड़ियां। बदल गया पटना यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का समय, अभी भी है छात्रों के पास मौका। बिहार में जाति गणना के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति का भी होगा सर्वेक्षण। भारत ने शुरू किया आगामी T20 सीरीज के लिए तैयारी। 3 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गांधी सेतु के दोनों छोर से दौड़ने लगी गाड़ियां। कभी एशिया के सबसे लंबे पुल होने का गौरव रखने वाला पटना हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर गांधी सेतु के इतिहास में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि आज से गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन हो गया है। इसके साथ ही पुल के दोनों हिस्सों को अब लोहे और स्टील के दीवारों से मजबूत कर दिया गया है। आज पुल के उद्घाटन होने के साथ ही पटना और उत्तर बिहार के लोगों को 3 दशक से भी ज्यादा समय तक जाम की समस्या से मुक्ति मिल गई है। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, जिसमें नितिन गडकरी और बिहार सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए गांधी सेतु के नवनिर्मित लेन को खोल दिया गया है। बता दें कि 15 जून 2017 से पूर्वी लेन के निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो कि अब जाकर पूरा हुआ है। 3 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों बेहद ही तल्ख है। कहीं बारिश का असर है तो कहीं पर तपती धूप है। एक तरफ जहां दक्षिणी बिहार के अधिकतर जिले में भीषण गर्मी, उमस और तपिश के कारण लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिलों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तरी बिहार में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। सोमवार को भी मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिले के कुछ इलाकों में मौसम में परिवर्तन देखा गया। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू उम्मीदवारों के नाम आए सामने। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही कर सकता है, लेकिन जदयू की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो रही है। भाजपा की तरफ से नाम सामने आना अभी फिलहाल बाकी है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों दल आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जदयू से आफाक अहमद खान और रविंद्र सिंह को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये दोनों नेता कल यानी बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल राजद की तरफ से विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवार सोमवार को ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। गत दिनों राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में भी राजद के उम्मीदवार आगे रहे थे। बदल गया पटना यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का समय, अभी भी है छात्रों के पास मौका। अगर आप भी पटना यूनिवर्सिटी से अपने स्नातक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी नामांकन करवाने का मौका है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखकर अब आवेदन और प्रवेश परीक्षा के स्केड्यूल में बदलाव कर दिया है। विश्वविद्यालय की तरफ से 4 जून से आवेदन की तारीख बढ़ाकर 25 जून कर दी गई है। छात्रों के पास आवेदन का अंतिम मौका है। मिली जानकारी के अनुसार CBSE का रिजल्ट अभी नहीं आया है, जिसके बाद ही विद्यार्थियों को ये मौका दिया गया है। विश्वविद्यालय की तरफ से पूर्व से तय 18 जून की प्रवेश परीक्षा की तारीख को बढ़ाकर 9 जुलाई कर दिया गया है। वहीं BA, BSc और BCom में अब तक 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति का भी होगा सर्वेक्षण। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इतना ही नहीं, इसको लेकर अब तो बिहार सरकार ने तैयारियों को तेज भी कर दिया है और हाल ही में गाइडलाइन भी जारी हुई है। इस बीच अब बिहार में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में अगले 6 महीने के दौरान जातिगत जनगणना का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसमें खास बात यह होगी कि जाति आधारित गणना के दौरान संबंधित लोगों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। इससे जाति की संख्या के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी हो सकेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस सर्वे कार्य को राज्य में कराने के लिए 9 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके अनुसार ही अब काम शुरू हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर शुरू हुआ रिजर्व लाउंज। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों को आने वाले समय में बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत ही अब इन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों के लिए लॉन्च की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। बीते दिनों ही इसकी शुरुआत हो गई है। इस लॉन्च का निर्माण हाल ही में किया गया था, जिसके बाद ही अब पटना से आने वाले हवाई यात्री एयरपोर्ट पर VIP लाउंज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि लाउंज के अंदर यात्रियों को मधुबनी संस्कृति और लोक कला की झलक मिलेगी। जानकारी के अनुसार ये लाउंज पहले के मुकाबले काफी बड़ा है, साथ ही यात्रियों के आराम और खानपान की सुविधा के लिए खास व्यवस्था की गई है। इस नए लाउंज में एक साथ 15 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। विमानों की आवाजाही का समय डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा। सांसद रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल का काम तेजी से चल रहा है। बिहार में कोरोना के मामलों में दिखी गिरावट।
बिहार में कोरोना के मरीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 73 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 3 और वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 51,748 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं अगर आज हम देश भर की बात करें तो देश भर में बीते 24 घंटे में 3714 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 7 लोगों की जान भी चली गई है। बिहार में लापता है इतने हजार बच्चे। बिहार में हर दिन बच्चों के लापता होने की खबरें मीडिया में आती रहती है, लेकिन कितने बच्चे गायब होते हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं थी, लेकिन हाल ही में किए गए रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल औसतन 5,000 बच्चे गुम होते हैं। पुलिस ने जो रिकॉर्ड जारी किया है उसके अनुसार पिछले 3 साल में बिहार से 16,559 बच्चे लापता हुए थे। अगर बात इन बच्चों के बरामदगी की करें तो केवल 7,219 बच्चों के नाम है। 9,340 बच्चों के अभी तक पता नहीं चलने की खबर आई है। सिर्फ 2021 की बात करें तो 6,395 बच्चों के लापता होने का मामला दर्ज कराया गया था। इनमें 2,838 बच्चों को खोज लिया गया, जबकि 3,557 बच्चे तक नहीं मिल पाए हैं। परेशानी की बात यह भी है कि यह रिकॉर्ड केवल उन बच्चों का है जिनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस भी इनमें से बहुत से कम बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाती है। परिवहन सचिव ने संभाला अपना कार्यभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पंकज कुमार पाल ने बीते दिन परिवहन सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान पूर्व परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पंकज कुमार पाल को कार्यभार सौंपा। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों और अन्य कर्मियों ने परिवहन सचिव पंकज पाल का स्वागत किया। साथ ही इस अवसर पर परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने विभाग के विभिन्न योजनाओं और कार्यों की जानकारी ली। निवर्तमान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से उनका परिचय कराया और साथ ही विभाग की तरफ से किए जा रहे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंकज पाल 2002 बैच के अधिकारी हैं। बिहार से चलने वाली कई ट्रेनें आज रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी आज ट्रेन से कहीं सफर करने वाले हैं तो हमारी यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज कई ट्रेनों का परिचालन नहीं होने वाला है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार से चलने वाली एक दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है। वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आज यानी कि मंगलवार को एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग कार्य के चलते नहीं हो पाएगा। इस वजह से बिहार के रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जिन ट्रेनों का परिचालन आज रद्द रहने वाला है उनकी बात करें तो इसमें बरौनी लखनऊ, बरौनी मेल, बरौनी ग्वालियर मेल, अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर, कटिहार एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और जम्मूतवी भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रद्द रहेगा। बिहार से बाहर गए प्रवासी अब लौटेंगे बिहार। बिहारवासी जो रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं वो अब जल्द ही लौट कर आने वाले हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में पलायन रोकने के मकसद से नीतीश सरकार बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को 8 जून को लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी है। उन्होंने कहा कि इस दिन से बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग की स्थापना के नए द्वार खुलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि टेक्सटाइल और लेदर उद्योग के लिए बिहार सबसे अनुकूल नेशन है। आने वाले समय में बिहार देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनने वाला है। पीके ने बताया बिहार को सबसे ज्यादा अशिक्षित। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब राजनीति में एंट्री मार चुके हैं, जिसके तहत ही वो बिहार से जनसुराज की शुरुआत भी कर चुके हैं। इसी के तहत एक के बाद एक बयान भी दे रहे हैं। इस बीच अब बीते दिन प्रशांत किशोर ने फिर से बिहार को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार को सबसे अशिक्षित राज्य बताया। ज्ञात हो जनसुराज कार्यक्रम के तहत पीके स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगार भुखमरी वाला राज्य है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीके ने आगे कहा कि भारत के सबसे गौरवशाली इतिहास वाले राज्यों में से एक बिहार की गिनती आजादी के बाद 60 के दशक तक देश की अग्रणी राज्यों में होती थी, लेकिन आज ये पिछड़ता ही जा रहा है। मुकेश सहनी ने भाजपा को दिलाया उसका वादा याद। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इन दिनों अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश में बैठे हैं। इसी बीच अब मुकेश सहनी ने भाजपा को उसका किया हुआ वादा याद दिलवाया है। इसको लेकर पूर्व मंत्री ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने के समय वीआईपी को 11 विधानसभा सीट और एक एमएलसी की सीट देने का वादा किया गया था। पूर्व मंत्री ने बताया कि उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच भी समझौते
बैठने को रखा था। मधुबनी में मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट की शुरू हुई शूटिंग। हॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा श्रीवास्तव एवं नितिन चंद्रा श्रीवास्तव के निर्देशन में बन रही मैथिली फिल्म जैक्सन हॉल्ट की शूटिंग इन दिनों भीषण गर्मी के बीच मधुबनी में जोर शोर से चल रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार फिल्म की शूटिंग ब्रह्मोत्तरा मधुबनी में उगना महादेव के आसपास के खूबसूरत लोकेशन पर हो रही है। वहीं इस फिल्म को लेकर नितिन चंद्रा श्रीवास्तव ने कहा है कि फिल्म जैक्सन हॉल्ट मैथिली है, इसलिए हमने इस भाषा के अधिकतर लोगों को फिल्म में कास्ट किया है। हमने फिल्म का बहुत सारा हिस्सा शूट कर लिया है, 15 दिनों का स्केड्यूल रखा था, इसलिए अब उम्मीद है कि हम जल्द ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। भारत ने शुरू की आगामी T20 सीरीज के लिए तैयारी। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में भारतीय टीम के खिलाड़ी कोच राहुल द्रविड़ के साथ प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत पहुंच चुकी है। दोनों देश के बीच 9 जून से 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। इस घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अपने कुछ सीनियर खिलाड़ी जैसे कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान KL राहुल के हाथों में होगी। वहीं इस सीरीज में कुछ युवा खिलाड़ी अपना इंटरनेशनल डेब्यू करते दिखाई दे सकते हैं। वहीं सीरीज के कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में वापसी भी कर सकते हैं। चैंपियन गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, प्रिया यादव, महेश दास, निकिता कुमारी, शंकर मुखिया, नुन्नु कुमार, परवेज आलम, जितेंद्र ठाकुर, अनुप कुमार, सौरभ मिश्रा, अक्षय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पलायन का अहम कारण क्या है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।